सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी आपके साथ। आज देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो रहा है। ये छठा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिग्गजों की किस्मत यहाँ पे टिकी हुई है। दिल्ली में चुनाव इस वक्त क्योंकि काफी खास हो चुका है क्योंकि केजरीवाल जब जेल गए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दिल्ली में जो एक केजरीवाल की भूमिका अभी तक चली आ रही थी वो अब डगमगा सकती है। अब क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इन बहसों पर, इन बातों पर आज हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि कौन अपना पक्ष रख रहा है, कौन इस बार आएगा और आज देश की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है तो इन 58 में से कितनी सीटें किसके पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं, तमाम पर जानकारी करेंगे। फटाफट से हम अभी आपको मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से, विशाल कुमार यादव प्रवक्ता कांग्रेस से, राघवेंद्र द्विवेदी प्रवक्ता सुभाषपा से, दिनेश पटेल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, विवेक पांडे प्रवक्ता रालोद से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्ता के संग्राम में। तो विवेक जी आपसे शुरू करते हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है आज और तुरंत ही आरोप लग चुका है कि दिल्ली में जहां पे इंडिया गठबंधन की सीटें मजबूत दिख रही हैं वहां पे भाजपा वाले कुछ कारीगरी करने जा रहे हैं, भाजपा वाले कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पे चुनाव स्लो हो जाए थोड़ा सा। देखिए गौरी जी, जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं उनके उस आरोप के प्रत्युत्तर में दिल्ली से एलजी साहब का बयान आ चुका है। इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोग वहां थोड़ा सा आराम से निकल रहे हैं घर से, इससे मौसम के कारण थोड़ा बहुत परसेंटेज प्रभावित है। चुनाव आयोग की टीम पूरी मुस्तैद है, समय से मुस्तैद है और वोटिंग हो रही है। विपक्ष को कोई मुद्दे नहीं सूझ रहे, विपक्ष इस तरह से गाल बजाने पे आ गया है। मतदान हो रहा है सुचारू रूप से हो रहा है और लोग निकल के मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनार्दन निकल रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, किसी को परेशान होने की आवश्यकता। कितनी सीटें ला रहे हैं दिल्ली में आपकी? 7 सीटों पर है दिल्ली में गौरी जी, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, वहाँ ये जो ये हाथ ना चलेगा ना झाड़ू चलेगा, 7 की 7 सीटें भाजपा के पाले में जा रही है, क्या कहेंगे? दिनेश पटेल जी, आवाज आ रही है? जी जी बताइए। गौरी जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दिल्ली की जनता, जब अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई थी तब दिल्ली के हालात दूसरे थे, लेकिन वर्तमान में जो दिल्ली के हालात हैं वो दूसरे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को ईडी का इस्तेमाल करके जेल में डाला गया, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येन जैन जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, अब जो विभव है उनके जो पीए हैं अरविंद जी के, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो इस बात से दिल्ली की जनता भाजपा की जो बौखलाहट है वो देख रही है। भाजपा की बौखलाहट ये है कि वो जान रही है कि दिल्ली में उसने, उसके 7 सांसदों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए 7 में 6 सांसदों का टिकट बदलना पड़ा
एकमात्र टिकट मनोज तिवारी जी का भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं चुनाव से पहले हार स्वीकार कर ली। उसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने 7 में से 6 अपने प्रत्याशी बदल दिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, तो वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है, हमने लोगों को मुफ्त पानी दिया है, हमने लोगों को मुफ्त बिजली दिया है, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया है, और आने वाले दिनों में दिल्ली की प्रत्येक महिला के अकाउंट में जो 18 साल की ऊपर है उसको 1,000 रुपए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी देने वाले हैं। इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम वादों पर, इन तमाम कामों पर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को मौका देने वाली है इस लोकसभा चुनाव आपको में। मौका और मिलता है तो आपके भ्रष्टाचार क्यों खुलने लगते हैं साथ की भाई? साथ आपकी ही सीटों पार्टी पर की एक सदस्य के साथ अभद्रता हो रही है, और जिसने की है वो सीएम के साथ घूम रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, वो मामला जांच का विषय है। एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से की गई है, जांच पुलिस द्वारा की जाएगी, अंत में फैसला तो होगा आप ये कि बताइए, दोषी आपकी कौन है। पार्टी दूसरे पर क्यों थोप देती है? स्वाति मालीवाल जी को बता दिया जाता है कि भाजपा का उनके ऊपर दबाव है, आपको अपनी पार्टी के देखिए, सदस्य आम पर भरोसा आदमी करना है पार्टी नहीं? को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। आपने अभी देखा कि 2 दिन पहले किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला कि हमको 1 रुपए की भी वसूली नहीं हुई आम आदमी पार्टी की किसी नेता से। तथाकथित शराब घोटाले की बात तो करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1 54 रुपए का भी उन्होंने वसूली, अगर वो करते जांच के दौरान, छापों के दौरान, तो देश की जनता को बताते, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गए। 54 तक हमारे जो नेता के घरों में छापे पड़े, ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिला। इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई शराब घोटाला नहीं है, केवल ये राजनीति का आरोप है। कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा सके, जिससे कि बिना आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चुनाव में जाया जा सके और चुनाव जीता जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, सांसद संजय सिंह जी को बेल दी, और आज दिल्ली की जनता अपने नेताओं को सभाओं में सुन रही है, और जो हमारे वादे हैं, जो हमारे काम है, जो हम काम की राजनीति की बात करते हैं, बिजली पानी स्वास्थ्य की बात करते हैं, उस आधार पे जनता हमको वोट कर रही है। क्योंकि भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है ठीक जो है, ठीक काम पे वोट नहीं मांगती, ये गाय पे वोट है, मांगती है, ये भैंस पे वोट मांगती है, ये हिंदू मुसलमान पे वोट मांगती है, ये मंगलसूत्र पे वोट मांगती है, ठीक है। ये अब इस बार को पाकिस्तान ले पे लीजिए, वोट विवेक मांगती है। पांडे जी तो हमारे ये साथ, भारतीय और आप जनता दूसरा पार्टी बंदा की ठीक कथनी और है, करनी विवेक है, ले लेते और हैं दिल्ली की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। ठीक है। विवेक पांडे जी, मैं बड़े धैर्य से सुनता रहा, क्योंकि जी यहाँ पे हमारे दोनों ही सम्मानित प्रवक्ता और आदरणीय हैं, चूंकि विवेक श्रीवास्तव जी भी उपस्थित है, मैं सभी को पहले तो प्रणाम समर्पित करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई अभी आम आदमी पार्टी को लेकर के। राजकुमार आनंद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के ही मंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के तथ्य को उजागर किया था। तो मुझे लगता है कि जब आपके अपने लोग आपके पार्टी की नीतियों, कुरीतियों और कुनीतियों को उजागर करते हैं, तो उसमें दूसरे दलों के ऊपर आक्षेप करने से बेहतर है कि अपने बगले झांक कर पहले अपने घर के अंदर की चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही मेरे मित्र ने, युवा है, वायु के वेग से बहने वाला युवा जो भारत का भविष्य खड़ा करेगा। इनकी जितनी योजनाएं थी सभी में मुफ्त एक शब्द जुड़ा हुआ था कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, मुफ्त चिकित्सा, सब मुफ्त है। ये बात इन्होंने नहीं बताई, लेकिन कि उसका जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, उसका जो भुगतान शुल्क क्या किया जा रहा है, वो इनके आम आदमी पार्टी के राजनीतिक दल के चंदों से नहीं किया जा रहा है, उसी जनता के टैक्स के पैसे से किया जा रहा है, जो कि ये जनता से वसूल करके राजस्व के नाम पे सरकार के धन संग्रह में संग्रहित कर रहे हैं। तो मुफ्त कहां से हो गया भाई?
मुफ्त तो आप दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में जिस तरीके से जनता से टैक्स वसूला जा रहा है और जिस तरीके से दिल्ली को दुर्गति में बदला जा रहा है वो भी साक्षात है। उसके लिए आपके मीडिया के कैमरे ही प्रत्यक्ष है कि जब आप दिल्ली स्टेशन से उतरने के बाद जब आप चलते हैं लाल किले की तरफ, तो जो इन्होंने काम किए वो उन कामों की पोल बहुत अच्छे से खुल जाती है वहां पे। मुझे लगता है कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी का इतिहास अगर ये पढ़ते तो जानते कि वहां पे राजमार्गों से लेकर के जितने भी निर्माण हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक संग्रहित भवन भी हैं, वो भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा करवाए गए हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पहले अपनी नीतियों पे बात करने की आवश्यकता है। राजकुमार आनंद जब आपके पार्टी के नेता होकर के आपकी कुनीतियों को उजागर करके पार्टी छोड़ करके जाते हैं तो उससे ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात अभी इन्होंने और एक बात कही थी, अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिएगा आपको दुरुस्त कर देता हूं, वो इंट्रीम बेल है, इंट्रीम बेल है, वो बेल नहीं है, इंट्रीम बेल है। अभी 2 और 4 तारीख के बाद देखिएगा उनको वापस वही जाना है जहां से वो आए हैं, और ये क्षणिक उनको सिर्फ एक दी गई है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार था जिसके आधार पे उनको ये इंट्रीम बेल दी गई है ताकि वो कल को ये आरोप ना लगा सके कि हमें लोकतंत्र में अपने राजनीतिक दल के नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला वरना हम चुनाव जीत जाते। तो मुझे लगता है कि पहले शब्दों के महीन अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सारी बातें इन्होंने कर दी। स्किल इंडिया की बात इन्होंने नहीं बताई, उड़ान जैसी योजनाओं की बात इन्होंने नहीं बताई, मुद्रा योजनाओं की बात इन्होंने नहीं बताई, PMYKK योजनाओं की बात इन्होंने नहीं की। पहले मनरेगा होता था जिसमें कि अकुशलता योग्य, मतलब बोलते नॉन स्किल्ड लेबर्स के लिए जो दिहाड़ी की तरह काम करते हैं उनके लिए योजनाएं लेकर के आते थे ताकि देश की जनता गरीब बनी रहे, लेकिन उद्योगों के मांग के अनुसार टेक्निकल डेवलपमेंट करते हुए स्किल्ड लेबर को लाने के लिए जो NDA सरकार ने घटक दलों के साथ मिल करके स्किल इंडिया से लेकर के उड़ान से लेकर PMYKK से लेकर के स्टार्टअप इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया से लेकर के कई ऐसे निशुल्क सर्टिफिकेट से लेकर डिप्लोमा कोर्सेज तक अलग अलग वेबसाइटों पे ऑनलाइन इस तरह से शुरुआत करवाई गई ताकि बच्चे घर बैठ करके ही महंगे महंगे कोर्सों को मुफ्त में आत्मसात कर सके, पढ़ सके, उनसे एजुकेट हो सके, स्किल्ड हो सके और उसके साथ उनको उद्योगों में नौकरी मिल सके। आज आपको गौरव होना चाहिए कि 15 लाख से अधिक स्टार्टअप भारत नेतृत्व करते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी या सबसे बड़ा घरेलू बाजार है जहां पे कि विदेशों से भी स्टार्टअप आने लगे हैं और विश्व में तीसरे स्थान पर आज भारत स्टार्टअप इंडिया के मामले में स्टैंड करता है जो कि सरकारी आंकड़े भी बताते हैं। आपको गर्व होना चाहिए। मुझे लगता है ठीक है विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आलोचना में आप समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इन्होंने विपक्ष में रह के आलोचना में समय व्यर्थ किया। अगर आप सरकार के साथ खड़े होकर के सकारात्मक कार्यों में इस राष्ट्र के हित को, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते तो मुझे लगता है कि आज वास्तव में दिल्ली की जनता आपको वोट कर रही होती। और एक बात, पूर्वांचल में देखिए वोटिंग हो रही है, पूर्वांचल में वोटिंग हो रही है, अभी तक वही वोटर निकला जो एनडीए का वोटर है और इनके नारे भंडारे वाले वोटर जितने भी हैं सब घरों में बैठे हुए हैं। क्या कारण है कि जो बाहर निकल रहा है वो भगवामय होकर के तिलक लगा करके बाकायदा काशी मथुरा की बात कर रहा है वोटर से भी। जब मैंने सुबह से कई उस पे देखा, चैनलों पे देखा, वोटर भी बात कर रहा है कि उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, शिक्षा नीति की बात होगी और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है वोटर उसकी बात क्यों कर रहा है? अगर वो वोटर इनका है तो वो हमारी योजनाओं पे क्यों इतना वोट कर रहा है? हम तो ये सवाल उठाएंगे। ठीक है दिनेश पटेल जी, जवाब दीजिए। देखिए हमारे मित्र ने कुछ नारों की बात की जिन नारों को देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को बोला, जैसे स्किल इंडिया इन्होंने बोला, मेक इन इंडिया बोला, स्टार्टअप इंडिया बोला, उड़ान, डिजिटल इंडिया, तमाम ऐसे नारों से इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के उन सपनों को बताने का प्रयास किया जो पूरी तरीके से फेल हुए। हकीकत यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में जाते हैं वो डिजिटल इंडिया के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते, वो मेक इन इंडिया के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते, वो उड़ान के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं, वो गाय भैंस के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं, वो दो धर्मों को लड़ाने के नाम पे वोट मांग रहे होते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उनकी योजनाओं ने देश के युवाओं को फायदा पहुंचाया है तो उनको उन योजनाओं के नाम पे वोट मांगना चाहिए, ना कि हिंदू, ना कि हिंदू मुसलमान पे, ना अगड़ा पिछड़ा पे, ना कि मंगलसूत्र पे, ना कि भैंस पे।
तो देश की जनता देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, वो सक्षम है, वो जागरूक है, वो पढ़ी लिखी है। ये तो बात हो गई देश के प्रधानमंत्री जी के नारों पे। हमारे मित्र ने बोला कि आम आदमी पार्टी के एक नेता थे जो मंत्री थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आपने जो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी तो आपके नेता क्या भ्रष्टाचार में कर रहे थे महंगाई दे तो देश की जनता जागरूक का है। आपको वॉशिंग मशीन जो हमने बनाया, ठीक है। देखिए मैं एक एक करके सवाल लूंगी, वरना ना मुझे समझ आएगा ना जो हमारे दर्शक है ना उन्हें समझ आएगा। आप लोग आपस में लड़ते ही रह जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। एक एक करके सवाल ले लेते हैं, ठीक है। विवेक जी, जी जी बताइए कौन सा सवाल आपका, पूछिए जी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वॉशिंग मशीन, एक नया नाम मिल चुका है भाजपा को, वॉशिंग मशीन, कई मीम भी बन चुके हैं, देखे होंगे आपने। नहीं देखिए, बिल्कुल सत्य बात है, यही तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती भी है ना, कि आप मीम बनाते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई थोड़ी होती है। हम तो उसका सह स्वागत करते हैं, आलोचना तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। और मैं तो ये बात कहूंगा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की एक बात आई, इन्होंने कहा कि दोनों तरफ से FIR। अरे भाई, का जो घटना घटी है वो आपके नेतृत्व के घर में घटी है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे तो क्या कारण है कि आप सबूत मिटाने में लिप्त हो गए। पुलिस ने यूं ही नहीं उठाया है किसी को, पुलिस ने उठाया है तो उसके पीछे गंभीर आरोप जो शासक रूप से सत्य साबित हुए हैं उसके आधार पर उठाया है। और एक बात कहूंगा मैं, केवल खांसने से और केवल मफलर पहन के घूमने से सत्य साबित नहीं होता है। जो आदमी अपने गुरु को धोखा देने में पीछे नहीं हटा, जो आदमी अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को धोखा देने में पीछे नहीं हटा जिससे कि उसने आदर्शवादिता सीखी थी, मुझे लगता है वो व्यक्ति इस जीवन में जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा भाई, सबसे बड़ी बात। और बहुत अच्छा लगता है देख करके जब मेरे युवा साथी भ्रमित होकर के, अगर ये भी थोड़ा सा स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज हैं उनसे थोड़ा सीख लेते तो आज इस तरह से भ्रमित होकर नहीं बता रहे होते। मैं तो ये पूछूंगा, शराब घोटाला नहीं हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात, बताइए जरा शराब घोटाला है क्या? दिनेश पटेल जी, पार्टी तो आपकी है, नीति आपका है, मुद्दा आपका है, शराब घोटाला क्या है जरा यही बता दीजिए। वास्तव में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज तक यही नहीं बता पाए कि शराब घोटाला क्या था या क्या नहीं था, ये इसी में उलझे हुए हैं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि ये शराब घोटाला इतने सफाई से किया गया है कि इनके प्रवक्ताओं तक को इसका तथ्य स्पष्ट नहीं है कि ये डिफेंड किस आधार पर करें। बस शराब घोटाला कुछ नहीं है, अरे शराब घोटाला कुछ नहीं है तो आपके माननीय को जो जेल में बिठाया गया है, जाइए लड़िए ना कोर्ट में, कौन मना कर रहा है भाई। और सबसे बड़ी बात देखिए, आश्चर्य की बात आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए वकील लड़ेगा लेकिन उसका पैसा जो है राज्य सरकार देगी, ये देखिए ये भी एक आश्चर्य की बात है। व्यक्तिगत केसों के लिए अब जो शुल्क दिया जाएगा, फीस दी जाएगी, वो नेताओं के लिए राज्य सरकार पे करेगी। भाई ये तो बड़ा हास्यप्रद लगता है, हम लोग खुद ही अधिवक्ता है इस व्यवसाय में, अगर इस तरीके से आप जनता का खून पसीना चूसेंगे और उसके बाद ये भी आप सपना दिखाएंगे कि मुफ्त है, ये मुफ्त नहीं दे रहे हैं, ये वास्तव में अपने आरामगाही के लिए, आरामदेही के लिए, अपने व्यवस्थाओं से खिलवाड़ के लिए जो इस तरीके की व्यवस्थाएं ये पोषित कर रहे हैं उसका शुल्क ये जनता के पैसे से वसूल रहे हैं। और ये मुफ्त मुफ्त इसलिए करते हैं ताकि जनता इस पर विरोध ना दर्ज कर सके, वरना मैं तो सवाल उठा रहा हूं।
कि जिस केस को लेकर के अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आज खड़े हैं, क्या कारण है कि उसकी जो फीस है, उन वकीलों की फीस है जो कि प्राइवेट वकील हैं, उनकी फीस आप राज्य सरकार के राजस्व से क्यों दिलवा रहे थे भाई, बताइए जरा। वो पैसा आप पार्टी फंड से देते अगर अरविंद केजरीवाल जी को लड़ना था केस, तो उसका पैसा राज्य सरकार भुगतान क्यों करे? वो तो अच्छा है कि एलजी ने रोक लगा दी है उस पैसे पे। ये कोई व्यक्तिगत जागीर कमाया हुआ पैसा उनका, ये उनका व्यक्तिगत कमाया हुआ पैसा है क्या, बताइए ना। या आपके स्टेट के जो लॉयर से हो जाके लड़े, आप पर्सनल चॉइस से वकील भी हायर करेंगे और उसका पैसा राज्य सरकार के संपदा से दिलवाएंगे, ये कौन सा तथ्य होता है भाई? आप वकील अपने लिए खड़ा कर रहे हैं ना, राज्य सरकार के लिए थोड़ी खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए, आपका माइक म्यूट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकारी पैसे के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, यही देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पहले आप अपना स्पष्ट कर दीजिए, अरविंद केजरीवाल से ये लड़ने वाले वकील को मेरी बात हो जाता बात नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप अपनी आप बोलिए तो सत्य बोलिए, पहले नहीं, पहले आप सत्य बोलिए, सवाल अपनी बात जवाब दीजिए तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो जनता को कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर आप अपनी पूरी बात कर चुके तो मैं बोलूं। हाँ ठीक है, मेरा सवाल तो बहुत स्पष्ट है, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे आदरणीय दिनेश पटेल मेरे युवा भाई हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो वकील खड़ा किया गया है, प्राइवेट आधार पे जो वकील खड़ा किया गया है, उसके लिए जो शुल्क का भुगतान है वो सरकार के कोष से क्यों, बताइए जरा। देखिए, ये सरकारी पैसे के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, देश के सभी पेट्रोल पंप में अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा ली अपनी चेहरे के ब्रांडिंग की, तब देश के पैसे की बर्बादी नहीं होती। कोरोना के वैक्सीन के सर्टिफिकेट में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगा ली, तब देश की बर्बादी नहीं होती। जब कोरोना से लोगों की जान जाने लगी, वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने लगे, बदलने वाले लोग सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग की बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। आपने बोला मुफ्त की बात, देश की 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन देते हैं और इसी गरीब जनता को राशन देना चाहते हैं कि वो ना दिया जाए, तो गरीब जनता को राशन देना इनको भारी पड़ रहा है। अगर हम बिजली आय से देते हैं जनता से डिबेट नहीं होती, राशन देना इन्हें भारी पड़ रहा है, ये उत्तर विरोध कर रहे हैं, अपने समय गरीबों के विरोधी है, ये चाहते हैं कि केवल अमीरों को इज्जत ना मिले। अगर आपको ऐसी डिबेट करनी तो मैं ये मुर्गा लड़ाने वाली डिबेट मैं नहीं करूंगा। अगर आपको अपना पक्ष रखने का समय मिला तो मुझको भी पूरा समय मिलना चाहिए, जब आपकी बारी आई तब आप बोलिए, ठीक है? अरे बोलिए भाई। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपने 3-4 बिंदुओं पर उठाया, आपने बोला कि मुफ्त की चीजें, तो देश के प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देते हैं और इस नाम पर लोगों से वोट की अपील करते हैं। मध्य प्रदेश में जो आप लोगों की जीत हुई, मध्य प्रदेश में जो आपकी जीत हुई, उसमें भी जो महिलाओं को आपने सहायता राशि दी, उसका भी बहुत बड़ा कारण था जो आप लोग जीते। तो आप ये मत कहिए कि आपने मुफ्त के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं किया। हमने तो जो बुनियादी जरूरतें थी, बिजली बुनियादी जरूरत है, पानी बुनियादी जरूरत है, महिलाओं को तीन लोग को दे रहे हैं, बिजली में तीन लोग को दे रहे हैं, जरूरतों को दे करके दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस में है, वो फायदे में है। गुजरात की तरह दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है, मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, चौथी पास राजा नहीं है, सारे आंकड़ों को हम समझते हैं और तभी जनता को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, राशन के नाम गौरी जी विवेक भैया कुछ बोले उसके पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जरा ये बात छुपाई जाती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और वहां पे, हाँ बिल्कुल, और वहां पे जो बिजली का जो शुल्क है और बिजली के जो दाम है अन्य राज्यों की तुलना में वो काफी मिनिमाइज होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से सब्सिडी दे रही होती है, केंद्र सरकार पहले से सब्सिडी देती है, ये बात ये नहीं बताएंगे। ये जो बता रहे हैं कि सरप्लस बजट है, उसका कारण ये कि केंद्र सरकार अपनी जेब से सब्सिडी देती है
और कम दामों पे कम मूल्य पे बिजली उपलब्ध कराती है। इनको समस्या है कि हम गरीब लोगों को हम राशन दे रहे हैं उससे इनको दिक्कत है, और ये अपने व्यापारी मित्रों को जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है। जनता ने आपको बहुमत दिया विधानसभा चुनाव में। श्रीवास्तव जी आपके साथ जुड़ जाते हैं। विवेक जी बताइए, राशन के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, आप पार्टी ने ये भी आरोप लगा दिया है। गौरी जी, आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान। पेट में रोटी रहेगी आदमी जिंदा रहेगा। हमारे शासन से पहले रोज समाचार पत्रों में छपता था कि फला परिवार की भूख से मौत हो गई। हमने अपने पिछले ही शासन में जिलाधिकारियों को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जब कांग्रेस शासित राज्यों से और दिल्ली से भी जब उत्तर प्रदेश और बिहार के सड़कों को भगाया जा रहा था, आनंद विहार का बस अड्डा पे पूरी भीड़ लगी हुई थी, वहां से निकलने वालों की, लोग पैदल चल चल के प्रदेश पार करते हुए आ रहे थे, तो उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कहीं का भी राशन कार्ड हो हम राशन देंगे। उसी को भारत सरकार ने अडॉप्ट करते हुए आज एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की है। वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय भी हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ, जो लोग मुफ्त बिजली की बात करते हैं और उसकी तुलना मुफ्त राशन से करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि भोजन के बिना तो किसी काम नहीं चलना है, बिजली के बिना तो आदमी जी लेता है। खैर, कह रहे अभी बहुत देर से मैं इनको सुन रहा था, अपने 45 करोड़ के बगले में एक महिला सांसद को पिटवाने वाले, और ये कह रहे हैं जांच चल रही है। अभी जांच में विभव कुमार को ले गई पुलिस, तो कहते हैं उनको जेल में डाल दिया। पाप भी करोगे, जेल भी नहीं जाना चाहते, तो जाना कहाँ चाहते हो, करना क्या चाहते हो भाई? क्या ईडी सीबीआई कानून सब बंद कर दिया जाए आपके लिए, अराजकता के हवाले कर दी जाए दिल्ली? अरे एक महिला सांसद आपके मुख्यमंत्री आवाज पीटी जा रही है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके आपके साइड के लोग कहते साहब वो बीजेपी से संपर्क में थी, तो पहली बात तो थी या नहीं थी अलग विषय है, अगर कोई किसी दल विशेष संपर्क करेगा तो उसको बुला के पिटने लगोगे? अब ये लोग डिबेट में बैठे, क्या मैं इनको पिटने लगूंगा? ये तो विरोधी दल के हैं। ये कौन सी अराजकता की ओर आप देश को ले जाना चाहते हैं? बात करोगे नारी शक्ति की, नारी रक्षा की, अभी अभी प्रश्न होगा तो मणिपुर से शुरू करोगे, पहलवान बेटी तक चले जाओगे, और बगल अपने अपने बगल में बुला पीट रहे हो अपनी पार्टी सांसद को। वो उस सांसद को जो महिला आयोग की दो दो तीन तीन टर्म अध्यक्ष रह चुकी है, उसको पीट रहे हो। जो दिल्ली में महिलाओं के दुख दर्द सुनने वाली महिला थी, उसी को पीट रहे हो। ये कौन सा चरित्र है? तो ये जो दोगला टेस्ट है, फिर कहते रुकी रुकी सुन लीजिए, फिर कहते शराब में एक पैसा नहीं हुआ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये सब बेबुनियाद की बातें ना करो भाई। सिसोदिया जी ने 70 मोबाइल फोन बदले हैं गौरी जी, 70 यहाँ एक में गुजारा हो रहा है, 70 मोबाइल सिसोदिया ने कहा बदल डाले? ईडी सीबीआई पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के टैक्स पेयरों का करोड़ों रुपया फूक करके सुप्रीम कोर्ट की कृपा से मर्सी पे आए हैं। विवेक पांडे जी बैठे हमारे मित्र पेशे से अधिवक्ता हैं, बेल इज द मर्सी ऑफ कोर्ट, बेल अभियुक्त का अधिकार नहीं होती, आप अदालत की दया पे हैं, 2 तारीख को फिर चले जाएंगे। इंटरिम बेल है वो भी, हाँ नहीं बेल भी, अगर एंट्री तो और कम कमजोर होती है, अगर बेल भी होती तो बेल भी दया है। हाँ, बेल भी दया होती है अदालत की, बिल्कुल सही बात, अदालत की दया पे निकले हो, बातें एसीसी कर रहे हो। देखिए मैं दिल्ली में शराब ज्यादा बिका, दिल्ली में शराब ज्यादा बिकी, आपने शराब पीने की उम्र घटा दी, खजाने में पैसा कम आया। अब बताइए दिल्ली में शराब बेचने के कविता आ रही है तेलंगाना से, क्या दिल्ली के व्यापारी दिल्ली के ठेकेदार मर गए थे?
अगर घोटाला नहीं किया तो के कविता को उससे शराब बिकवाने क्या उचित था? और उस पैसा गोवा तक गया चुनाव में, इतनी पार्टियां देश में बनी है गौरी जी, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी ना बन सकी। आप देश का करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो अपने मुकदमों पे। आज अरविंद केजरीवाल जिस जो सिद्धवी को पेमेंट हुआ या जो मनीष सिसोदिया के मुकदमे में पैसा लग रहा है वो किसी के इनके बाप का पैसा है क्या? दिल्ली के टैक्स पेयर का दिया हुआ पैसा है। ये छल, ये झूठ, ये प्रपंच कई दिन चलेगा? देखिए इन्होंने 2-3 सवाल उठाए। सबसे पहला इन्होंने सवाल उठाया महिला सुरक्षा का, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं तो वो प्रज्वल रवाना को याद क्यों नहीं करते, वो गजनी मोड में क्यों चले जाते हैं? आप उनके प्रज्वल रवाना ठीक है, तो जब मैं अपनी बात रख लूं, कृपया आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप अपनी बारी में कुछ बोलिए जब आपको कहा जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी बारी है, वो प्रवक्ता नहीं है। मैं जान रहा हूँ, लेकिन जब विपक्ष के लोगों, जब विपक्ष के साथियों को रोका जाएगा, जब विपक्ष की बात नहीं आएगी तो विपक्ष किसी की तो लड़ाई लड़ रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और हम इसको मजबूती से लड़ेंगे। और 4 जून को बहुत मजबूती से लड़ रहे थे मुख्यमंत्री आवाज मित्रा, मजबूती से लड़ रही है, कहना चाह रहा हूँ मजबूती से लड़ रहे थे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, प्रज्वल रवाना के केस में लड़ रहे थे, 3,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ किया, उस व्यक्ति के लिए देश के तानाशाह प्रधानमंत्री बड़ी सभा में वोट मांगते हैं और बोलते हैं कि आप इस व्यक्ति को वोट दीजिए, प्रज्वल रवाना को वोट दीजिए, ये मेरे हाथों को मजबूत करेगा। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को एक बलात्कारी का सहयोग की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा सवाल ये उठता है, देश का सम्मान करने वाली पहलवान बेटियों उनको उनके दोषियों को जेल में नहीं डाला जाता, ना पुलिस उनके घर जाती है। जब मणिपुर जलता है तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने से डरते हैं। कुलदीप सेंगर हाथरस केस, इतने तमाम केस है, देश के प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री करने में अंतर है महिला सुरक्षा। मेरी बात हो जाने दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप बहुत बड़ी पार्टी, हम बहुत छोटे लोग हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी बोल दे भाई। तो मैं अपनी दूसरा आपने शराब घोटाले पे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में शराब नीति लागू हुई, सुन तो लीजिए स्वाति मालीवाल जी के प्रकरण पर FIR दोनों पक्षों ने कर दी है, पुलिस जांच कर रही है, न्यायालय न आप है न मैं हूँ, न्यायालय तय करेगा सही क्या गलत है। क्या आप शराब घोटाले पे आप लगातार, अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो मैं भी बोलने नहीं दूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। आपने जो सवाल पूछा है, आप विभव के नाम पे रोक रहे हैं, तैयार करके डिबेट कर लेना, इतना समय थोड़ी डिबेट में लिया जाता है, 2 से 3 मिनट का समय मिलता है, लगातार 5 मिनट से बोले जा रही है, सुनने की क्षमता भी रखिए, सुनने की अरे क्षमता दिखाएं, क्षमता दिखाएं, कितनी क्षमता है, ये कौन सी भाषा है, कौन सी क्षमता आंखों के भाई, अगर आपने कोई सवाल पूछा तो उसकी सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी, फिर आप उस पर रिप्लाई, सवाल का जवाब दे रहे हो, आपने एक सवाल पूछा था शराब घोटाले पे, आप लगातार आरोप लगाते हैं, हमारे 4 बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, सुनिए इन देखिए अभी बहुत अच्छी बात आई थी, इन्होंने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगी, तो एक बात मैं इनको समझा दूं, प्रज्वल रमन्ना की जो बात कर रहे थे उसको इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर रेड नोटिस जारी किया जा चुका है,
और जैसे ही सुरक्षा संस्थाएं उसको पकड़ के लेकर के आएंगी, बाकायदा उसके ऊपर जो ट्रायल है, जो बाकायदा विधिक प्रक्रिया, उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपोजिशन के लिए विधिक प्रक्रिया देखना चाहते हैं, लेकिन जो इनके नेताओं पर विधिक प्रक्रिया चल रही है उसको लेके बड़ा दर्द है इनको। साबित ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, साबित ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सरकार की आलोचना। स्वाति मालीवाल को पिटवाने का कारण शायद ये था कि स्वाति मालीवाल चली गई थी अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछने कि आपने अगर महिलाओं के ऊपर कोई बात थी तो आप लोगों ने उतर के प्रदर्शन क्यों नहीं किया। पिटवा दिया स्वाति मालीवाल को, और स्वाति मालीवाल की FIR के अगेंस्ट में उनके मामले को कमजोर करने के लिए क्रॉस FIR करा दी गई। अगर आपके अंदर इतनी वीरता थी, इतनी पौरुषत्व है आपके नेताओं में, तो एक महिला जो कि खुद आपके घर में उनके मुख्यमंत्री के आवास में पिटवाई जाती है, ऐसे नपुंसकों ने मिलकर के क्रॉस FIR क्यों करवा दी भाई? क्रॉस FIR क्यों करवा दी बताइए ना, क्रॉस FIR क्यों करवा दी? अगर इतना आपके अंदर मर्दानगी थी तो उस महिला के आरोपों का आपके अंदर जवाब देते हैं। क्रॉस FIR करवाई क्योंकि इंटेंशन आपका क्या है? अच्छी नहीं लगती और अरे अच्छी छोड़िए, मैं यहाँ पे आपको खुश कर रहा नहीं बैठा हूँ। दिल्ली के नवयुवकों को शराब की आदत में छोड़ दिया, दिल्ली के नवयुवकों को, दिल्ली की जनता को परिवार को बढ़ जाने के लिए शराब पीना भगवा दिया, मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, मुफ्त चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मुफ्त मुहैया कराएंगे ताकि जनता जो है वो आलसी बन जाए। और सबसे बड़ी बात, अल्प आय वालों को नहीं देंगे, ये मध्यम वर्गीय लोगों को देंगे, मध्यम वर्गीय वालों को देंगे, जिनकी इनकम 4 से 5 लाख रुपए सालाना है उनको भी मुफ्त बिजली दी जा रही है, ये कौन सा पैसा मिलेगा भाई? आपकी विकास योजनाएं गरीबों के हितों में नहीं है, अपने मित्रों के हितों में है, इनके मित्रों के हितों में है। देश विरोधी संख्या को घोषित करने वाले विधायक है, देश विरोधी शक्तियों को घोषित करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए एक आईबी आसान है, लेकिन जब सड़क पे उतर के चलोगे और जनता जवाब मांगेगी ना। अभी ये बात कर रहे थे संविधान बचाने की, अरे राजनीतिक दल संविधान से है, संविधान राजनीतिक दलों से नहीं है। ये जो झूठा भ्रम लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को जेल में डाल दोगे, बताइए चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दोगे, औकात नहीं है इनके पास इंतजार के, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की वजह से आपने बचे हुए हैं, संविधान की वजह से आपने पटे का बोल रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता, संविधान के मौलिक अधिकार नहीं होते, जिन्हें पटे जा रहे हैं बैठ करके बोलने के हकदार नहीं होते, तो एक बार जान लेना, भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा। और एक बात बता दे रहा हूँ, विपक्ष ने इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में है। इन लोगों को ये नहीं पता कि राजनीतिक दल संविधान से है, संविधान राजनीतिक दलों से नहीं है, लेकिन इन लोगों ने झूठ बनाने का काम किया, इन लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। जब आप लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ते हैं तब संविधान खतरे में होता है, जब शिवसेना तोड़ते हैं तब संविधान खतरे में होता है। आम आदमी पार्टी की नीति भी यही होने वाली है, आपके विधायक खुद ही आपकी पार्टी छोड़ करके भाजपा में जाएंगे, NDA गठबंधन में। आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए। अरे भाई, तो चोरों को पालोगे तो छापे ही पड़ेंगे, चोरों को पालोगे तो छापे ही पड़ेंगे, देशद्रोहियों को कोशिश करोगे तो क्या तुमको मालाएं पहनाई जाएंगी? देशद्रोहियों को पोषित करोगे, मालाएं पहनाई जाएंगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। जाना हमने किस तरीके से, क्या क्या सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए, कोई भी महिला की सुरक्षा पर बात आ रही है तो कोई अपनी पार्टी की चीजों को नहीं बता रहा है कि हमारी पार्टी में ऐसा है तो हमने क्या किया। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप उस चीज के लिए काम कितना कर रहे हैं जनता को दिख रहा है, क्योंकि और वो सब कुछ साफ है और वो वोटिंग प्रतिशत में नजर आ रहा है। अगर बात सिर्फ हम महिला सुरक्षा की अभी हम कर रहे थे, चाहे वो स्वाति मालीवाल की बात हमने की हो, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना की बात की हो, दोनों ही अभी चल रहे हैं केस, अभी तक इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये जनता भी जान रही है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, और जनता ही अभी 4 जून को ये भी तय करेगी कि उसको किसको अपना प्रतिनिधि बनाना है। फिलहाल सत्ता के संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।
का संग्राम प्रेजेंटेड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन।